क्रम नियमित पर्यायों की यह चर्चा जब निराली है, जो समझेंगे भव उन्हें यह मुक्ति दिलाने वाली है। जिनका अनंत संसार शेष उनको स्वीकार नहीं होगी, वह परम सत्य है बात किंतु स्वीकृत स्वकाल में ही होती। जिनका अनंत संसार शेष उनको स्वीकार नहीं होगी, ऐसा कह कर उन लोगों की निंदा क्यों करते हो भाई। ये तो प्रश्न है, इसका जवाब अपने दिया है, फिर पहले बता भी दिया गया था, फिर कल पढ़ेंगे तो फिर आएगा, अभी समय हो गया है मेरे ख्याल। आप दादा कह रहे हो, आपके इसमें लाया आत्मध्यान, ध्यान का रूप यही, आत्मध्यान का रूप सही, और इससे केवल ज्ञान उपजता है। तो आत्मध्यान से उपज रहा है कि कोई भी विषय आ जाए तो भी उपज जाएगा केवल ज्ञान? मैंने बता दिया ना अभी, केवल ज्ञानी का ये कहना है सो इंद्रों की उपस्थिति में, कि जिसको केवल ज्ञान उपजता है उसको एक समय पहले की पर्याय का ज्ञान का आगे त्रिकाली ध्रुवात्मा बनता है, होता है। कहा नहीं था ये, कहा नहीं था, कहा था ना, और इसी पे मैंने सावधान किया था कि बाल सुरक्षित रखना है तो पूरा ढंग से सुनना और ढंग से मेरी बात का बोलना जाने, और अकेले देखो साथ में थोड़ा पुण्य भी चाहिए, साथ में थोड़ा पुण्य भी चाहिए। अकेले एक तत्व जो बढ़िया एकदम सच्ची बात बताई, क्या आप जो सच्ची बोली है वो ही मैं बोलूँगा फिर मैं कैसे पिट जाऊँगा, कि पिट जाऊँगी, पुण्य सास में नहीं होगा तो पिट जाओगे बेटा। मालूम अम्मे चंदाचार्य ने हमारे सार में कुंड ने सोना बनाने की विधि लिखी है, ये बनिया बेकार बाजार में भटकते हैं, सोना बनाने की विधि लिखी है समय सार में, कि पंडित जी आप जानते हो? हाँ जानते हैं ना? तुम कहो अभी सब कुछ सुना दे है? सोना बनाना है, पुण्य लिखी और लोगों ने बनाया और नहीं बना, हमने चंद्र ने लिखी, पुण्य कुंज ने लिखी, वो विधि लिखी और उस विधि से सोना बनाने को बनाया और नहीं बना। जैसे ना चाहे 300 वर्ष बाद उन्होंने कहा कि मैं लिखूँगा फिर नहीं बनेगा तो मैं भी इसमें शामिल हो जाऊंगा, तो उनने उसमें टीका में देखना तो राकेश तुम देख के बता देना सबको, लिख दिया कि ये सब और थोड़ा पुण्य, ऐसा लिखा है उसमें है? लिखा है। अब उनने कहाँ से लिखा और कुंड कुंड की कौन से शब्द का अर्थ है ये वे बताएंगे, लेकिन उनने डाल दिया ऐसे ही, मैंने भी थोड़ा डाल दिया पुण्य है ना, क्योंकि फिर भी तुम पिट जाओ ऐसी बात कहो और फिर मेरे को दोष दो तो पुण्य देख लेना अपना अपना निर्विक्षेत्र काल भाव बुद्धि विवेक समझाने की क्षमता सत्ता में थोड़ा पुण्य ये सब होए तो कहना, नहीं तो अपनी भूमिका के अनुसार धीरे धीरे शांति से करना तक आज करना है 63 से, और यहाँ तक आज मुझे समझाना है। उसके पहले एक प्रश्न आया है और प्रश्न करने वाला ये चाहता है कि उसका उत्तर सार सबको सुनाया जाए, अकेला उन्हें नहीं सुनाया जाए, हो सकता है उनका उसका उत्तर उन्हें आता हो और वे सब तक पहुंचाना चाहते हो, जो भी हो अब, लेकिन अब बिल्कुल सब आ गए हैं, लेट कमर्स वाले भी आ गए हैं,
तो मैं उनके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। प्रश्न का अंतिम हिस्सा ये है कि कभी ऐसे भाव आते हैं, कभी ऐसे भाव आते हैं, और कभी तीव्र पुरुषार्थ करने के भाव आते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सम्यक चरित्र प्राप्त करने के लिए। तो उसके बारे में आपका क्या कहना, तीव्र जो भाव आते हैं उसके बारे में क्या कहना? हो सकता है वो ऐसी ऐसा करते हों कि शुभ लक्षण है। मैं ऐसा उत्तर दूंगा तो वे भी खुश हो जाएंगे और सब खुश हो जाएंगे, और उनका नाम बता देंगे तो और खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं ये उत्तर नहीं देने वाला, मैं ये कहने वाला हूँ कि कुछ और है तुम्हारे पास, तुम कर सकते हो। वो तीव्र पुरुषार्थ करने का जो भाव आता है तो पुरुषार्थ भी तुम्हारे ख्याल में तो होगा ना कि हम ये तीव्र पुरुषार्थ करेंगे और जल्दी हो जाएगा काम है। तो इसका मतलब ये है अभी तुम्हारा संसार बहुत दूर है, तुम्हें वो भाव जो आ रहा है वो नहीं आए, इसके बारे में कोई उपाय सोचना चाहिए। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ प्रभु जी? हैं, क्योंकि अभी तुम मानते हो कि कुछ किया जा सकता है, ऐसा ना कोई तीव्र पुरुषार्थ है वो आप कर सकते हो। और हम तो ये समझाते समझाते परेशान हैं कि आप कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते हो, जो अनादि से नक्की है वो ही होगा, यहाँ तक कि जो तुम्हारी ज्ञान की पर्याय का आगे भी वो ही बनेगा, दूसरा तुम नहीं बदल सकते हो। और आप चाहते हो कि वही क्या उसका क्या कहना है? ये समझना चाहिए कि अभी इतना मैंने इतना अधिक बोला है कि लोगों के कहने लगे कि कब तक यही सुनाओगे। मैंने कहा भी 9 तारीख तक तो सुनाएंगे, है ना? और तुमको ज़्यादा आकुलता होने लग गई हो तो तुम जा सकते हो क्या? तुम्हें भी बहुत जल्दी है, ये जल्दी वालों का काम नहीं है, ये बिल्कुल सहज स्वीकृति वालों का काम है। राजा सेनक का कि वो पंक्ति थी ना कि बेटा तुम नरक में जाओगे, ठीक है स्वीकार, फिर तीर्थंकर होगे कि स्वीकार है, फिर मोक्ष होगे स्वीकार है, तीनों स्वीकार में कोई अंतर नहीं। नरक बोलो पंक्ति भाई। राजा श्रेणिक, राजा श्रेणिक 61 पीछे 60 से। इन बातों का जब पता चला समुदृष्टि राजा श्रेणिक को, तो सहज भाव से सभी विषय स्वीकार हो गए हैं उनको। और चाल देने ऊपर से फिर दादा 57 नंबर से पढ़ता हूँ, 57 नंबर से तो ए वाला जवाब भी आ जाएगा। हाँ, हाँ। 6 महीना 8 समय में 608 मोक्ष जाते, सबके मुक्ति में जाने के लगभग समय भिन्न होते। हमको जाने की जल्दी है तो कुछ उपाय करना होगा, जैसे भी हो मुक्ति रमा का शीघ्र वरण करना होगा। ऐसा ही जिसका चिंतन उसको स्वकाल स्वीकार नहीं, उसको भव भव में रुलना है जिसको स्वकाल स्वीकार नहीं। जब स्वकाल होगा तब उसको सहज सहजता आवेगी,
क्रम नियमित पर्यायों की श्रद्धा उसको हो जावेगी। यह पहले से ही नक्की था तीर्थंकर महापद्म होंगे, पर उसके पहले नरक गति में श्रेणिक को जाना होगा। जो होना है सो तदनुसार कर्मों का बंधन यथा समय हो जावेगा, पर होगा ना कोई परिवर्तन किसी समय। इन बातों का जब पता चला समदृष्टि राजा श्रेणिक को, तो सहज भाव से सभी विषय स्वीकार हो गए हैं उनको। यह क्रम नियमित पर्यायों की स्वीकृति रे सच्चे मन से, यही है सम्यक ज्ञान और यही है सम्यक दर्शन से। राजा श्रेणिक अर प्रथम नरक श्री महापद्म तीर्थंकर की तीनों क्रम नियमित पर आए तो अनादिकाल से नक्की थी। तीनों में कुछ अदला बदली न किसी रूप में संभव थी, इस महासत्य की सहज भाव से सहज स्वीकृति पक्की थी। इस सहज स्वीकृति का पक्कापन जीवन की आधारशिला, इसके बिना सहज जीवन को ना जीवन आधार मिला। मैं कह रहा हूँ कि आपको तीव्र विकल्प आता है जल्दी जाने का और पुरुषार्थ करने का, और तीव्र पुरुषार्थ करने का, तो पुरुषार्थ की पता है वो क्या है? पुरुषार्थ ये तीव्र विकल्प नहीं होना, ये पुरुषार्थ है। ये वस्तु स्वरूप के विरुद्ध विकल्प है, वस्तु स्वरूप की स्वीकृति का विकल्प नहीं है। अब जो चीज़ बिल्कुल विरुद्ध है उसको तुम अच्छी मान रहे हो, और एक बात कह के मैं आगे बढ़ता हूँ कि मेरे को अभी क्या क्या भाव आते हैं और उनमें तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय को मान लेने पर, तो तुम्हारी बात को मान लेने पर क्या क्या चल सकते हैं, अभी तुम एक खोज कर रहे हो। और मेरा ये निवेदन है कि आपके इन भावों में क्या क्या नहीं चल सकते हैं इसकी खोज करो बेटा। समझ में आए ना क्या क्या अभी तक हो रहे हैं और जो नहीं चल सकते उनकी खोज करो, क्या क्या चल सकते हैं उनकी खोज मत करो। चल तो कुछ नहीं सकता, जब अज्ञान दशा है, अज्ञान दशा में जो हो रहा है वो बात ज्ञान दशा में क्या चलेगी? जो हम व्रत में पाए गए हों चल सकते हैं, अरे बेबी सच्चे नहीं होंगे, उनको सबको तो एक दफा क्रॉस लगाना पड़ेगा। अब मैं आज जो मुझे सुनाना है 63 से कहाँ तक 75 तक, मैं आप उनकी बात शुरू करता हूँ। अच्छा है तुमने ऐसे ही दे दिया करे और सभा में ही उत्तर मांग लिया करे, एक तो आपको उत्तर देने की मुझे आकुलता नहीं होगी, अकेले को यही करना पड़ेगा और दूसरे सबको उत्तर मिल जाएगा। अभी अपन ने पढ़ लिया है या पढ़ना है? पढ़ लिया दादा एक बार। पढ़ लिया? हाँ। त्रिसठ नंबर। हाँ ले। यदि होना है निश्चिंत पूर्ण तो क्रम नियमित पर्यायों को
आदि काल से अनंत काल तक नियमित ही जानो मानो। परिवर्तन करने के भार से अपने को नित मुक्त रखो, अरे अपने उपयोग योग को अपने में संयुक्त रखो। ये तो कर सकते। यदि होना है निश्चिंत पूर्ण, तो पूरी तरह से निश्चिंत होना है ना, हुए मोक्ष का मार्ग समझ लिया, अब हमें कोई चिंता की बात नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, जब होना होगा तब हो जाएगा, हमें सच्चे दिल से स्वीकार है। अनंत शांति होनी चाहिए थी, अनंत आकुलता कैसे हो रही तुम्हें कि मैं ये कर लूँ, जल्दी कर लूँ, ये कर लूँ, हमें कोई जल्दी नहीं है, ना मरने की ना जिंदा रहने की। मैंने कल परसों एक बात कही थी तो आप लोगों को मजाक लगी थी, लेकिन मैं सच्ची बात कहता हूँ, फिर दोहराता हूँ कि मैं अभी इन 10-5 दिनों में 10-5 बार मर चुका हूँ, और वो मरने के बाद मेरे को कैसे भाव हुए मरते समय के, वो सब याद है एकदम सहज स्वीकृति। जो मैं आपको कह रहा हूँ, मर रहा हूँ ठीक है, मर गया हूँ ठीक है, नहीं मरा हूँ तो ठीक है, वो ठीक है के अलावा कुछ आया ही नहीं। मैं समझता हूँ ये मार्ग सही है। क्या अपन कहते हैं ना परमात्म कि हम 24 घंटे तैयार रहो खाए के लिए मरने के लिए, ये नहीं कहते हैं हम। हम क्या कहते हैं, मरने के लिए और जीने के लिए। निकालो छंद, निकाल लोगे। लंबे जीवन जल्दी मरने की भी है कोई चाह नहीं, सहज भाव से जीने से अर मरने से इनकार नहीं, सहज भाव से शांत भाव से मरना जीना है स्वीकृत, जो कुछ जब जैसा होना है सब सहज भाव से अंगीकृत, अनुकूलों से अनुराग नहीं अर बीती बातें याद नहीं, अनाचार तो बहुत दूर अतिचारों की भी बात नहीं, जो कुछ जैसा होने वाला उससे कोई इनकार नहीं, सब सहज भाव से है स्वीकृत है कोई अन्य प्रकार नहीं, जब केवल ज्ञानी ने तेरे भावी के सब भव देखे हैं तब इसका अर्थ साफ ही है, भावी भव भी सब निश्चित है। सोचो बिल्कुल क्लियर बात है ना, एक जो है हमें स्वीकृत है, जो भी अच्छा बुरा नरक स्वर्ग कोई हमारा बात नहीं है, हमको बिल्कुल जब भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में आएगा बेटा नरक जाओगे जी, तीर्थंकर हो गए जी हजूर, फिर मोक्ष जाओगे तो जी हजूर, तो जी हजूरी में रंच मात्र भी कमी नहीं है कि वो उत्साह के नरक की बात उसी उत्साह के। मैं कहता हूँ लोगों से, कई दफ़े मैंने बोला यहाँ नरक में भी जाना आएगा केवल ज्ञानी के लिए, मेरा तो मुझे स्वीकार है, तो नरक में यहाँ नरक में, तो वो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ये सचमुच कह रहा हूँ। मुझे इस बात तो राजा सैनिक का उदाहरण है ना, मैं मानता हूँ उन्होंने बिल्कुल कोई खेदपूर्वक नहीं सुनी होगी वो बात भगवान की देवी ध्वनि, भगवान की देवी ध्वनि सुन के उन्हें प्रसन्नता हुई होगी कि नहीं, भगवान की देवी ध्वनि सुन कर के भी दुख होगा तो फिर उसका क्या करें, उसका संसार का क्या करें। हाँ, वो अपन 63वां छंद पढ़ रहा है ना, यदि होना है निश्चिंत पूर्ण
तो कृमिनिमित्त पर्यायों को आदि काल से अनंत काल तक नियमित ही जानो मानो। कल एक भाई मेरे पास आए थे कि दादा ये गलत है, ये अनादि काल से अनंत काल तक होना चाहिए। अब मुझे ऐसा लग रहा कि आदि काल से तो ठीक ही है और अनंत काल से भी अनंत काल से, इसमें अनंत काल से माने जब आदि काल से और अनादि काल से का एक ही अर्थ है। क्यों है एक अर्थ बोलो क्यों? कि आदि जब से वो शुरू होगा तो आदि तो हो गई, आदि होगा यदि वो बहुत पहले से शुरू नहीं हुआ है, अनादि काल से शुरू हुआ है तो वो भी आदि काल हो गया ना। अनादि आदि अंत काल तक कहाँ है नियमित जानो मानो। परिवर्तन के भार से अपने को नित मुक्त रखो। क्या करना है राकेश जी? परिवर्तन के भार से अपने को मुक्त रखो। वो तुम्हारा जो पुरुषार्थ है ना अनंत करना चाहते हो तुम जल्दी, वो इसके विरुद्ध है ना, उसके भार से तुम बोझिल हो रहे हो। कोई भार का नहीं रखना है, देर है ठीक है, ना आना ही नहीं चाहिए। जो वस्तु का स्वरूप है वो आदि महाभाग्य से तीर्थंकर की कृपा से उनकी दिव्य ध्वनि से हमें पहले से पता चल जाए तो खुशी होना चाहिए। उसमें रंज काय का भाव है, तो उसे बदला बदली का भाव आ गए। बोलो 12 वर्ष बाद द्वारका जल जाएगी क्या? वहाँ बैठे हुए लोगों को खुशी हुई होगी कि दुख हुआ होगा? खुशी होना ही चाहिए कि दुख होना चाहिए? तुम्हें क्या होता तुम बैठे होते उस सवाल, तुम मुझसे पूछो ना कि तुम्हें क्या होता, तो बहुत खुशी होती। बबलू बहुत कि द्वारका जल जाएगी 12 वर्ष बाद, इसकी तुम्हें खुशी होती? अरे खुशी नहीं होती कि इतना छोटा काम होने वाला है और हमें 12 वर्ष पहले पता चल गया। अरे 12 सेकंड पहले पता चल जाता तो ही हम सब भाग्य मानते। क्यों? ये तो 12 वर्ष पहले हो गए कि साहब क्या करें, दीक्षा लेने की तो काल लब्धि नहीं आई, अब क्या करें, हम बदल तो सकते नहीं, राजकोट तो जा सकते थे। क्या कह रहा हूँ, अहमदाबाद तो जा सकते थे हैं? क्या क्या खराबी हुई 12 साल पहले तुम्हें पता चल गया तो? क्या खराबी हुई, क्या इसमें खराब बात क्या हुई? अरे राम लोग घबरा गए होंगे, ऐसा हो गया होगा। क्यों घबरा गए होंगे? मूर्ख घबराए है ना। अब सुनो, परिवर्तन करने के भार से अपने को नित मुक्त रखो। यदि तुम्हें सच्चा धर्म चाहिए है तो परिवर्तन करने के भार से अपने को मुक्त रखो। समझे ना, जल्दी फल्दी नहीं करनी। और अपने उपयोग योग को अपने में संयुक्त रखो। फिर कुछ कर सकते तो अपने उपयोग योग को अपने में लगा, वो भी तो लगना होगा तो ही लगेगा, लेकिन भावना हो तो ये हो गए है ना। देखो बहुत मार्मिक छंद हैं ये, एक एक छंद पे मैं एक एक घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे 75 तक जाना है, घड़ी मत देखना। सरल सहज सरल जीवन धारा को
सहज सहारे ही रहने दो, क्या समझे, क्या करें, वो भाव आ जाए तीव्र प्रसाद करने का तो क्या करें, कि उसे हाथ जोड़ लो और तुम्हारा जो सहज जीवन है, सरल जीवन है, उसे वैसे चले। कोई कोई जल्दी नहीं है ना। अमृतमय जीवन सरिता को सहज तरल ही बहने दो, ये जीवन की जो नदी है ऐसे आराम से बहने चलने दो, वो कुछ मत करो, कुछ नहीं करने की सोचो, करने की मत सोचो, जो करने का भाव आया है उसे धन्यवाद मत दो, है ना। अमृतमय जीवन सरिता को सहज सरल ही बहने दो, समझ में आ रही ना, कठिन बात तो नहीं है ना ये, और लहरें उठें सहज उठने दो, नदी में लहरें उठ रही तो ठंडी हो जाए थोड़ी, नहीं कहे पसंद ना, लहरें उठें, ये जब मैंने लिखा होगा या मेरे अंदर में क्या हुआ होगा तुम वो सोचो, ऐसी थोड़ी लिखी नहीं है, लहरें उठें सहज उठने दो, तरल तरंगित रहने दो, तरलता रहने दो, उसमें कोई कठिनता मतलब तरंग थोड़ी होने दो, जितना उछले ज्ञानो दधि उतना उसे उछलने दो, तुम्हारा ये ज्ञान की पर्याय जितने अधिक जानना चाहे जानने, जिसको जानना चाहे जानने दो, दिव्येषु पुरी साधिषु, समझ में, जितना उछले ज्ञानो दधि उतना उछलने दो, ये छंद मुझे सुना दे तुम, मुझे सुनना है, सुना दे। सहज सरल जीवन धारा को सहज सरल ही रहने दो, अमृतमय जीवन सरिता को सहज तरल ही बहने दो, लहरे उठे सहज उठने दो, तरल तरंगित रहने दो, जितना उछले ज्ञानो दधि उतना उसे उछलने दो, तो उछलने दो, वो करो क्या नहीं पढ़वा, उसे नियंत्रित करने का ना यत्न करो ना सोचो ही, कुछ विकल्प मत करो बंधुवर, उसको खूब उछलने दो, अरे उछल कर कहाँ जाएगा अपनी सीमा के बाहर, अपनी सीमा में सीमित वह सचमुच ही है सीमंदर, सीमंदर है, अपनी सीमा के बाहर नहीं जाए, अपनी सीमा के बाहर नहीं जाएगा। माँ मंदिर जाती है, बच्चा साथ में जाता है तो ध्यान में आराम से बैठ जाती भगवान की भक्ति में, और बच्चे को छोड़ देती है, कहीं सड़क पे चला गया तो नहीं जाएगा, वो जानती है नहीं जाएगा, फिर वो दौड़ के जा रहा है कि तुम फिक्र मत करो वो नहीं जाएगा, जा रहा है कि जाएगा, कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक उसे माँ दिखेगी वहाँ तक जाएगा, ऐसा बीच बीच में देख लेगा कि हाँ माँ बैठी है, माँ बैठी है, माँ बैठी है, कोई चिंता की बात नहीं।